हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जॉइंट अटेंशन का एडवांस लेवल चाहिए, तो आप लोग कमेंट में लिखिए, और बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे कि आप लोगों को एडवांस लेवल चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों को एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आता है और आप अगला लेवल का डिमांड करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। ओके, देखिए वो वाला जो लेवल था वो जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि इस तरीके से आप लोग अगर स्टार्ट करेंगे बेसिक से भी, तो भी आप बच्चे का जॉइंट अटेंशन डेवलप कर सकते हैं। आज एडवांस लेवल में मैं आपको इवन ये भी बताना चाहूँगी कि जिन बच्चों की हम लोग कहते हैं कि मैम अंडरस्टैंडिंग बढ़ नहीं रही है, मेरा बच्चा ना एक ही लेवल पर आके स्टक हो गया है, राइट मैम, मेरा बच्चा 1-to-1 में तो ठीक कर रहा है, ग्रुप में कब से इंटरेक्शन स्टार्ट करेगा, राइट सो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो उसका एक ही आंसर है कि जब आपका बच्चा जॉइंट अटेंशन के साथ अंडरस्टैंडिंग, और ये दोनों टारगेट साइमल्टेनियसली पैरेलली चलेंगे ना, आपका बच्चा अल्टीमेटली टू वे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करेगा। हर बच्चा पहले जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करना स्टार्ट करता है विद द हेल्प ऑफ जॉइंट अटेंशन, ठीक है जी। जैसे उसका स्पीच आ गया, मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी फॉर श्योर कि जॉइंट अटेंशन के लेवल तक पहुँचाने के लिए एक्चुअली एक सीढ़ी है, इट्स अ लेडर काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें मैन ट्रेनिंग भी आना चाहिए कि बच्चा नाउन्स के लिए कैसे मांग रहा है, उस पर भी मैं पक्का आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे स्पीच आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट 2-3 वीडियो में मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगी, उसमें भी मैं आपको दिखाऊँगी कि अब आप मुझे बताइए, देखिए अब स्पीच चल रहा है और टू वे कम्युनिकेशन के साथ स्पीच चलेगा, मैं जब तक कुछ दिखाऊँगी नहीं बच्चा आगे से रिस्पॉन्स नहीं देगा। अगेन इट्स अ जॉइंट अटेंशन वाला एक्टिविटी। आज मैं आपको एडवांस लेवल में थोड़े से टारगेट ऊपर के लेके आई हूँ, और अगेन इट्स अ बेसिक टारगेट है, और आज जो मैं अपना स्टूडेंट लेके आई हूँ अभी उसका 100% जॉइंट अटेंशन अभी नहीं है, तो कहीं ना कहीं 50-60% तो मैं बोलूँगी कि उसको टारगेट समझ में आ रहे हैं जो इंटरेक्टिव हैं, क्योंकि आप देखोगे खुद से कि वो इमिटेशन भी देख के कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट इज सुपर्ब एक्चुअली, और बस वहाँ पे स्पैन ऑफ अटेंशन उस बच्चे का कम है, जो कि आपको क्लियरली आज मेरे इस प्रैक्टिकल सेशन में दिखाई देगा। ओके, नंबर 1 पे जो मैं एक्टिविटी आपको दिखाने वाली हूँ वो इमिटेशन है, डेट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट इमिटेशन। 4 के एरे में मैंने ऑब्जेक्ट्स लगाए हैं अपने लिए और बच्चे के लिए। ओके, मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है, स्पून लिया है, पेंसिल लिया है और एक ग्लास लिया है। मैं जैसे करूँगी बच्चा मेरे पीछे पीछे सेम करेगा, इससे क्या होगा कि बच्चा मेरे को फॉलो कर रहा है कि मैं उस टिश्यू पेपर से क्या करने वाली हूँ, ठीक है जी। तो उस लेवल से ये लेवल आगे का है। जॉइंट अटेंशन का जो ग्रुप इंटरेक्शंस का वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, उससे आपको पता चलेगा कि ऑटिज़म एक वो नहीं चीज़ है जो आप लोगों ने सोच के रखा हुआ है, ठीक है। पेरेंटिंग टिप्स पे भी मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी कि ऑटिज़म का स्ट्रेंथ दिखे रेदर देन वीकनेसेस, तो बच्चे की रिकवरी फास्ट होगा। सो पहला टारगेट आप इंजॉय कीजिए जो कि मेरे स्टूडेंट के साथ है ऑब्जेक्ट इमिटेशंस पे। शानू, ये आपका नैपकिन है, ये मेरा, आपका स्पून, मेरा स्पून, ग्लास, ग्लास, पेंसिल, पेंसिल, ओके, हैंड्स डाउन, नाउ डू दिस, करो इसको, टिश्यू पेपर को रब करो, रब, वाइप, वेरी गुड, डू दिस, चलो डू सेम 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 करो, शाबाश, नहीं, ईट करो, ईट, खाना खाओ, खाना खाओ, वेरी गुड, वापस रखो, चलो पानी, पानी पियो अपना, शानू पानी पियो, वेरी गुड, वापस रखो, टैप 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 टैप, डू सेम, राइट हैंड, यूज योर राइट हैंड, वेरी गुड, टैप 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 टैप, वेरी गुड, दैट मिक्स मिक्स मिक्स, चलो मिक्स 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 मिक्स, वेरी गुड, ड्रिंक, ड्रिंक मिक्स कर दिया, अभी ड्रिंक करो, शाबाश। पेरेंट्स, अपन नंबर 2 पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ इमिटेशंस, जनरल इमिटेशन, बट उसमें मैं आपको बहुत सारी वैरायटी दिखाऊंगी। उसमें सिंपल इमिटेशंस हैं, ग्रीटिंग्स हैं, एक्सक्यूजेस हैं एंड वर्ब इंस्ट्रक्शंस हैं, तो एक इकट्ठा, जब हम बच्चा न्यू एडमिशन लेता है तब हम कहते हैं डू दिस
डू दिस राइट. जब बच्चे का इमिटेशन में लेवल ग्रो हो जाता है तो हम उसको टू लेवल टू स्टेप इमिटेशन में ले आते हैं. ग्रीटिंग्स इमिटेशन से सिखाना शुरू करते हैं. इवन मैं आपको ब्रेन जिम एक्टिविटी इमिटेशन में उसी में ही करके दिखाऊंगी. तो आइए अपने स्टूडेंट के साथ मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो. नमस्ते नमस्ते डू नमस्ते हेलो वेव योर हैंड हाई डू हाई 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 करेंगे बेटा. वेरी गुड. टी शर्ट हेड सॉरी गुड. 10 यस गुड. डू दिस. इधर देखो मैम का दूसरा हैंड किधर है. इधर 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 इधर. यस गुड बॉय. स्लिपिंग सो जाओ. हाँ देखो आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो रहा है ना. ऐसे ब्रशिंग गुड वेरी गुड शाबाश. क्लैपिंग वेरी नाइस वेरी गुड. डू वन वन टू डू वेरी गुड. आओ वन दो टू टू करो. देखो बच्चे का आप अटेंशन देखो सब कितना अच्छा आई कॉन्टेक्ट उसने दिया. फिर से करेंगे वन वन टू टू करो. यस थ्री दो थ्री फोर एंड फाइव. अब समझ में आया. नंबर थ्री में मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉक इमिटेशन. देखने में लगता है कि करना क्या है इसमें. इट्स सो इजी यू नो. सेम ब्लॉक उठा के रखना है और एक बनाना है यू नो टारगेट बनाना है उसमें. इसमें कुछ नहीं है. आप एक काम कीजिएगा ये सारे जो लिंक्स हैं जो भी सामान मैं ब्लॉक्स जैसे यूज़ कर रही हूँ स्पून ग्लास तो सबके घर में है. जो ब्लॉक्स यूज़ कर रही हूँ उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी. ओके तो ब्लॉक्स आप देखना कि सेम सेम ब्लॉक्स का हमने टारगेट लेना है. घर पे करा के देखिएगा विदाउट जॉइंट टेंशन आपका बच्चा ये जो टारगेट है उसको अचीव कर ही नहीं पाएगा. मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. यही टारगेट आप बहुत अनदर लेवल तक लेके जा सकते हैं मेरा. ठीक है जी. चलो सबसे पहले रेड उठाएंगे. रेड उठाएंगे सबसे पहले. रेड यहाँ पे रखेंगे आप. उठाओ रेड उठा के. इधर देखो बेटा रेड उठा के. चलो उठाओ इसको उठाओ ऐसे. इधर आप अपनी बिल्डिंग बनाओगे. येलो येलो उठाइए. वेरी गुड वेरी गुड शाबाश. पिंक पिंक उठाओ मेरे बेटा. अपना अपना पिंक. देखिए किसी भी एक्टिविटी में जिसमें बच्चा आपको फॉलो करेगा वो जॉइंट टेंशन का एकदम सही एग्जाम्पल है. अभी इस बच्चे का जो जॉइंट टेंशन है अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं प्रॉपरली अभी डेवलप नहीं है. वेरी गुड रखो शाबाश. ग्रीन ग्रीन कलर ग्रीन ग्रीन. ओके देखिए घर पे भी आप लोगों के साथ बच्चे ऐसे ही करते हैं तो घबराना नहीं है. टारगेट से हटना नहीं है. ग्रीन ऊपर रखेंगे सेम सेम अपना. यस गुड बच्चा. पर्पल. हर बच्चा आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करता है. अगर आप टारगेट बीच में ही छोड़ देंगे फ्रस्ट्रेट होके तो आप टारगेट कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे. ओके नंबर फोर पे मैं आपको दिखा रही हूँ कैटेगरी सॉर्टिंग. इसमें मैंने दो बास्केट्स ली हैं. एक में एनिमल्स डाले हैं और एक में फ्रूट्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बच्चे का 50-60% अभी जॉइंट अटेंशन है. कंप्लीट जॉइंट अटेंशन अभी मैं उस लेवल पे नहीं लेके जा पाई हूँ इस बच्चे को. बड़ी जल्दी अचीव करेंगे हम लोग टारगेट्स. बट देखिए मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो सिक्स के कैटेगरी में सॉर्टिंग करते हैं. बट मेरे को आप लोगों को ये भी दिखाना था कि अगर बच्चा अचीवमेंट नहीं दिखा रहा है तो भी आपको न्यूट्रल रहना है. वो आपको इस प्रैक्टिकल सेशन में समझ में आएगा कि हम लोग सामने से फ्रस्ट्रेट होना अलाउ ही नहीं करेंगे खुद को. ओके देखिए आप बच्चे का टारगेट ले रहे हो. टारगेट अचीव करने में टाइम लगता है क्योंकि वो है टारगेट. वो अचीवमेंट है ही नहीं. तो दो के एरे में मैंने सॉर्टिंग लिया है. अब आप देखिए कि एनिमल्स में एनिमल्स डालेगा बच्चा फ्रूट में फ्रूट डालेगा. अब आप बोलोगे जॉइंट अटेंशन कैसे है क्योंकि मैंने हाथ में एनिमल लिया बच्चे ने एनिमल पकड़ा और एनिमल को डाला. ठीक है और आई कॉन्टेक्ट दे रहा है बच्चा प्रॉपर और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है. अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट टारगेट कैटेगरी सॉर्टिंग जो कि अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाएगा. डिफरेंट क्लासेस बच्चे को पता बताएगा. ठीक है एनिमल्स फ्रूट्स फ्रूट गुड बॉय. एनिमल यस फ्रूट एनिमल शाबाश गुड. टेन
लो 10, जोर से देंगे, यस, गिव, यस। सो जॉइंट अटेंशन में जो फिफ्थ एक्टिविटी है वो है एसोसिएशंस क्रिएट करना। ब्यूटीफुल एक्टिविटी है, जिस भी बच्चे का अंडरस्टैंडिंग ग्रो नहीं हो रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं, आप ये ट्रिक मेरे हिसाब से लेके चलो कि आपको एसोसिएशंस अपने बच्चे का स्ट्रॉन्ग करना है, फिर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ग्रो हो रही है कि नहीं। जैसे मैं आपके अपने स्टूडेंट के साथ करके दिखाऊंगी, मैंने 5 का एरे लिया है, एरे मींस मैंने 5 पेयर्स लिए हैं, उसमें पैंट के साथ टी शर्ट जाएगी, सॉक्स के साथ शूज़ जाएगा, बैट के साथ बॉल जाएगा, तो इस तरीके के मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, आप देखोगे कि बच्चा कैसे इंजॉय कर रहा है, इवन इन अ वन गो उस बच्चे ने ये टारगेट अचीव किया है। पेस्ट, ड्रम, स्टिक्स, टाइगर, जंगल, बेड, पिलो, टी शर्ट, पैंट। चलो अब आपकी टर्न, ठीक है। ब्रश गोज विद, शाबाश, वेरी गुड, हाँ छोड़ देंगे, गुड। पैंट गोज विद, वेरी गुड। पिलो गोज विद, वेरी नाइस, ओ वेरी गुड। जंगल गोज विद, जंगल। स्टिक गोज विद, ये जो टारगेट है ये जॉइंट अटेंशन के भी हैं और आपके बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को भी ग्रो करेंगे। गिव मी 10, गुड बॉय, गुड। सो पेरेंट्स, जो भी वीडियो प्रैक्टिकल सेशन मैंने आपको दिखाया है, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, अभी अपने आप लोगों ने अपना क्रिएटिविटी यूज़ करना है कि इन्हीं टारगेट्स को एडवांस कैसे लिया जा सकता है। जब भी हम टारगेट कुछ भी लेते हैं तो 3 के एरे से स्टार्ट करते हैं, 3 के एरे से कोई भी टारगेट प्रेजेंट करेंगे, 3 ब्लॉक्स, पिक्चर मैचिंग कराएंगे, 3 पिक्चर्स, इस तरीके से कराएंगे और आप इसको 20-25 तक के एरे तक लेके जा सकते हैं। ओके जी, सो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा ट्रायल था। मेरे को लगा कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैम रीत तो ट्रेंड चाइल्ड है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों के साथ आपको दिखाऊं कि ऑटिज़्म ऐसा होता है, अदरवाइज़ ये नहीं है। देखो वो सिवियर केसेस भी होते हैं, आई डेफिनेटली एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को, बट रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। आप लोग मेहनत करते जाइए और फिर आप जो है उसका आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे। सिर्फ मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, रोए जा रहे हो, आई नो कि बहुत हार्ड है अपने बच्चे को इस तरीके से देखना, बट कोई और ट्रैक नहीं है, देयर इज़ नो अदर वे आउट। तो काम करते जाइए और रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। पेरेंट्स, आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छा अच्छा सोच के बैठी हुई हूँ प्रोजेक्ट्स की, मैं आपको ये भी सिखाऊंगी, ये भी सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो आएगा ग्रुप इंटरेक्शंस में, जॉइंट अटेंशन की हम क्या बात करते हैं, और ऑटिज़म मैं किस उससे कहती हूँ कि मैम ऑटिज़म के, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि ऑटिज़म के बच्चे भी ये सब कुछ कर सकते हैं, वो थ्रू माय ग्रुप इंटरेक्शन वाला वीडियोस। एक और चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी, पेरेंटिंग टिप्स का जो प्लेलिस्ट है वो साथ के साथ चलता जाएगा। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स रीत के छोटे होते, यू नो 0-5 ईयर्स की रीत अभी है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने रीत की अपब्रिंगिंग में यूज़ किए हैं, चाहे वो स्ट्रॉलर हो, चाहे वो कार सीट हो, चाहे मैंने आपको डायपर्स दिखाए थे, बहुत सारे पेरेंट्स के रिव्यू आए, बट जो मेरे को वर्थ लगता है वो डेफिनेटली मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो वो पेरेंटिंग टिप्स की प्लेलिस्ट में जाएगा। ये आप लोगों की वजह से ही सब कुछ करते हैं, फिर इस तरीके की क्वेरीज आती हैं, मीन्स आप लोग कितनी बार पूछ चुके हो कि मैम आप रीत के हेयर में ऑयल कौन सा यूज़ करते हो। ओके, आप चाहे कमेंट बॉक्स में सर्च कर लो, मोस्टली पेरेंट्स के ऑलमोस्ट सभी वीडियोस के नीचे ये कमेंट है कि मैम आप रीत के हेयर पे कौन सा ऑयल यूज़ करते हो। तो मेरे को लगता है कि कोई बात नहीं, अगर 10-15 पेरेंट्स की भी क्वेरी है तो मेरा ड्यूटी है आप लोगों की क्वेरीज को सॉर्ट करना। तो ये भी वीडियोज़ मैं साथ साथ लेके आती रहूँगी। जो हमारा मेन इस YouTube चैनल का जो मोटो है वो स्पेशल एजुकेशन को सिखाना, वो साथ साथ चलता जाएगा। आने वाली वीडियोस में सेंसरी इंटीग्रेशन पे हम सब कुछ लेके आने वाले हैं कि कौन सी सेंस ओवर रिस्पॉन्सिव है, अंडर रिस्पॉन्सिव है, तो क्या क्या उनके सॉल्यूशंस होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।